दीपक, ये दीपक। क्या हुआ? इधर आ, इधर आ। रुक रुक। अरे इधर आना। रुकना। अरे जल गया। क्या हुआ बोल? देख के उन दोनों की ओर देख, क्या आराम से बैठे हैं। कहाँ कहाँ देखा तुमने? क्यों, वो तुमने नहीं देखे? अनदेखे के? हाँ देखा है मैंने भी, क्या आराम से बैठा है। ए चुपड़े चुपड़े, अब देख मेरा निशाना, एक बार में ही एक को मार गिराऊंगा। रुक रुक। अरे ठहरो, पहले ठीक जगह करे ना तो दो, फिर देखेंगे किसका निशाना ठीक है। अरे चोर चोर, तेरी बकवास बातें। देख दीपक, पहले ये चिड़िया मैंने देखा, तूने नहीं समझा? ए तू भी ज्यादा बहादुरी मत दिखा, चिड़िया भी मारना छोड़कर तुझे ही मार गिराऊंगा, जानता नहीं है ना मुझे? हिम्मत है, मार दो, एक झपल लगाऊंगा ना, पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अरे जाजा, छोटा मुंह बड़ी बात करने के लिए आया है, रात को बाहर निकलने से डरता है और बड़ा मुझसे लड़ने के लिए आया है, डरपोक कहीं का? देख दीपक, तू मुझे डरपोक कहना? क्या कह लेगा डरपोक? तू जा। अंधेरे के डर से रात को घर के अंदर ही पेशाब कर देता है और बड़ा मुझसे लड़ने के लिए आया है, डरपोक कहीं का? देख दीपक, तू मुझे और एक बार भी डरपोक आना। क्या कर लेगा डरपोक? हो ना तुम लोग ये सब, क्यों तुम लोग नादान की तरह झगड़ते हो? चुप रहो नहीं तो ऐसे चले जाओ। क्या हुआ है प्रदीप, दोनों का क्या हुआ? है बहुत गुस्सा में है, क्यों रहता हूँ? देख विमल, तू भी इसमें उल्टा पुल्टा ना कर, क्या देता हूँ? अरे चुप रहो ना थोड़ी देर, हम यहाँ झगड़ा करने नहीं बल्कि पेड़ काट कर जलाने के लिए लकड़ी लेने आए, समझा? अब कौन किस पेड़ को काटेगा देख लो। ठीक है। और सुनो तुम दोनों, ज्यादा दूर मत जाना, हम जल्दी ही घर लौट जाएंगे। हाँ ठीक है, चल चलते। मैं ये वाला पेड़ काटूंगा। ए देख देख, मैं ये वाला पेड़ काटूंगा। मैं ये वाला पेड़ काटूंगा। मैं छोड़ूंगा क्या? मैं भी ये पेड़ काट के ले जाऊंगा। हे छोटे छोटे बच्चों, ये क्या करने जा रहे हो? जरा रुको। नहीं तो हमने कोई आवाज नहीं सुना तो तुम लोग क्यों भागे थे? मैं मतलब तुम नहीं तो दौड़ने के लिए कहा था, इसलिए हमसे भागे थे। तेरा बीच बीच में दिमाग ऐसे ही गड़ रहा था, इसीलिए तू कभी भी उल्टा पाल्टा कहता है, समझा? तूने ठीक ही कहा। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, हमें किसी ने कुछ कहा था, मैंने अच्छी तरह से सुना है, कोई भूत प्रेत तो नहीं? हो भी सकता है, मैंने कोई ऐसी आवाज सुनकर ही दौड़ा था, हो सकता है कोई भूत प्रेत ने बुलाया हो। चलो चलो यहाँ से, चल चले, नहीं तो और क्या क्या अनहोनी हो सकता है, कौन जाने। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतना चोर क्यों मचा रहे हो? हम दोनों के रहते हुए तुम्हें क्या डर? क्या हुआ, जल्दी से बोलो, डरो मत। अरे हमें किसी ने बुलाया था। क्या, तुम्हें किसी ने बुलाया था? सच कह रहे हो ना तुम लोग? हाँ। किसने बुलाया था तुम लोगों को इस जंगल में? मालूम नहीं। कब बुलाया था? अभी अभी थोड़ी देर आगे। ये दीपक। हाँ। ये बात तो कोई नहीं है। क्या, कोई नहीं है? हाँ। ये रतन भूत प्रेती हो सकता है। क्या, वो भूत प्रेत? हाँ। भागो भागो, हाँ, भागो, भागो। डरो मत प्यारे बच्चों, हम तुम्हारे कोई नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि तुम लोगों ने ही हमारे यही किया है और करने भी आए हैं। पहले तुम लोग हमारे बातों को सुनो, डरो नहीं, हम तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। तुम दोनों कहाँ जा रही हो?
हेलो बच्चों, तुम भी यहाँ रहकर हमारी बातों को सुनो। तुम लोग अवश्य ही पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम हमारे बातों को नीचे ही समझ पाओगे। रतन क्या तुझे बुलाया है? तू जा भाई। मुझे नहीं, तुझे बुलाया। नहीं नहीं, तुझे बुलाया। नहीं नहीं, हमने तुम दोनों को ही बुलाया है, हमारे पास आओ। हम दोनों को ही बुलाया है, समझे दीपा? हाँ हाँ, हम दोनों को ही बुलाया है आज, और हमारे बचने की कोई उपाय नहीं है। बोलिए तो, हमें आप लोगों ने क्यों बुलाया है? जल्दी कहिए, हम यहाँ देर तक नहीं रह पाएंगे। दोपहर हो गया, भूख भी लगने लगा है। आप लोग क्या हमें मारेंगे? नहीं नहीं, वैसा क्यों सोचते हो? हम वैसा काम कभी नहीं करेंगे। कोई भरोसा नहीं, समझा दीपा? ठीक कहा तूने। खेलो ना, तुम लोग ऐसे ही इतना डर रहे हो, हम तुम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। केवल तुम लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनो। ये सभी ने अपने अपने हाथों के हथियार ठीक से पकड़ कर रखना। नहीं तो मैंने सुना है लोहे से फुट प्रिंट डरते हैं, वे कभी हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। बात सही है, मेरे दादाजी ने भी कहा था। आप लोग कौन है? आप लोगों ने क्यों हमें लुटने के लिए कहा है? हम बिरदेवी है। देखना, लगता है ये पैर हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या? आज और हमारे बचने की कोई उपाय नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम लोग डरो मत, हम तुम्हारे किसी प्रकार के हित नहीं करेंगे। तुम लोग केवल हमारे बातों को जरा ध्यान से सुनो। भागो भागो, इनका कोई भरोसा नहीं। अरे है। थेरो, थेरो, ये लोग क्या कहना चाहते हैं? पहले हमें उसे सुन लेना चाहिए। डरो मत, हो सकता है कोई गुप्त धन की बात हो, इसीलिए हमें सुन लेना चाहिए, समझा? गुप्त धन? अगर मुझे एक बार गुप्त धन मिल गया ना, तब तुम क्या करोगे? तब मैं तुझे जरा बन के बक्शी मार कर खिलाते ही रहूंगा, खिलाते ही रहूंगा। हाँ हाँ, मुझे खिलाना। हाँ, मुझे खिलाना। तो ठीक है, तुम लोग हमारे बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम लोग मनुष्य जात क्यों इतने नादान हो? क्यों तुम लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया है? ये दीपक, देखना क्या कहते हैं ये लोग। हाँ मान पर है, ये लोग सोचते हैं। क्या? हम छठी बग में पढ़ते हैं, ये इन लोगों को मालूम नहीं। हाँ, है ना? इसीलिए हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि तुम लोग ज्ञानी होकर भी नादान अनपढ़ सा हो, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। नहीं तो तुम लोग जानबूझकर क्यों इतना भूल करते हो? हम क्या भूल करते हैं? क्या हुआ आप लोग देखते हैं? हाँ हाँ, आज आप लोग क्या बताने हो कि हम मनुष्य क्या भूल करते हैं? हाँ, हाँ, क्या नहीं होगा? तो सुनो, तुम लोग मनुष्य के क्रियाकर्म के बारे में पहले ही बताओ कि पेड़ पौधे से तुम लोगों का कुछ उपकार होता है या नहीं? होता है, पेड़ पौधे से हमें फल फूल मिलता है, जलाने के लिए लकड़ी मिलता है, मकान आदि बनाने के लिए काट बांस पेड़ पौधे से ही तो मिलता है। वो भी कोई पूछने की बात है। हाँ तो ये सब कहने से हमारा क्या लाभ होगा? लाभ लाभ है, तुम लोग मनुष्य जात अपने आप को जीव श्रेष्ठ मानते हो, असलियत ही नहीं। तुम लोगों को जो उपकार करते हैं उन्हें तुम लोग कृतज्ञता ज्ञापन करने नहीं जानते हो। तुम लोग बड़ी ही निर्दयी और अकृतज्ञ हो। क्यों आप लोगों ने मानव जाति को अकृतज्ञ कहा? उसका मूल कारण यह है कि मनुष्य पर निर्भरशील जीव है, वो अपने आप अपना खाद्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वो हमसे ही खाद्य ग्रहण करते हैं और उसे ही खाकर जीते रहते हैं। फिर भी हमारे प्रति सहानुभूति मनुष्य जात के लिए नहीं है, वे केवल अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। आप लोग हमें नीचे कहते हैं, यह बहुत गलत है। हमारा खाद्य स्वयं भगवान ने बनाया है, हमारे लिए, आप लोगों ने नहीं। इसमें मनुष्य की निंदा की बात ही नहीं है। वही तो तुम लोगों की गलतफहमी है, हमारे भी प्राण है, हमें भी तुम लोगों की भांति दुख होती है, कष्ट होती है, इसे क्या कोई एक बार भी सोचा है? ऊंचा सोचना तो हमारा कोई जरूरी नहीं है ना? हाँ तो वही मानव जाति में सबसे बड़ी भूल है। तुम लोग मनुष्य अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ
समझते हो, लेकिन ये बहुत गलत है। तुम लोग सचमुच ही अज्ञानी हो। मनुष्य जानबूझकर भी अपने भविष्य को विद्यापन्न करते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। ये सब बातें हमें क्यों कहते? हम तो यह रोज पैर करने नहीं आते ना। जो रोज पैर करने आते उनको कहिए हम आप लोग के ये सब बातें नहीं सुनेंगे। क्यों साथी? ठीक कहा तूने, हम तो यहाँ रोज पेड़ काटने के लिए नहीं आते हैं। हाँ। तो तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम आए हैं अपने साथियों को बनने बने के हाथों से बचाने के लिए। ये नहीं देखे हमारे हाथों में क्या है? मैं एक बार निशाना लगाने से लगा। चुप रहना थोड़ी देर। वे लोग क्या कहना चाहते हैं सुनो ना पहले। हम तो कहते तुम लोगों के साथ पैर करने नहीं आए ना। हाँ तो हम तो तुम लोगों के साथ नहीं आए हैं, हम तो शिकार खेलने आए हैं। अरे भाई थोड़ी देर छुप रहे। बहुत अच्छा, हो सकता है तुम लोग यहाँ शिकार खेलने आए हो। बताओ तो क्या मारोगे? बन के पक्षी मार कर खाने में क्या मजा आता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी पक्षी का मांस खा ही रहा। देख तू चुपचाप रह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैंने तुझे क्या कहा है? क्या हो गया तुझे? देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों आपस में झगड़ते हो? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तुम लोग हमारे बातों को ध्यान से सुनो। तुम लोग जो इस पहाड़ के पेड़ काटने के लिए आए हो, इससे तो तुम लोगों का ही नुकसान होने वाला है, ये जानते हो या नहीं? क्या बात करते हैं, पेड़ पौधे नहीं काटने से हमें लकड़ियाँ का समय खाना का से कटेगा, इसीलिए तो हम पेड़ पौधे काटना पड़ता है। आप लोगों की इन बातों में हमारे कुछ भी फायदा नहीं। हमें पेड़ काट कर जलाने के लिए लकड़ी ले जाना ही होगा। हाँ, तो ठीक है, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, लेकिन एक बार ध्यान से सुनो। भविष्य में तुम लोगों का ही अमंगल होना अनिवार्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? तुम लोग एक काम अवश्य ही कर सकते हो, यहाँ जितने भी सूखे हुए पेड़ हैं, उन्हें काट कर ले जाओ। हम कुछ नहीं कहेंगे। हो सके तो पूर्ति के लिए एक एक नए पौधे लगाया करो। देखिए पेड़ पौधे लगाना हमारा काम नहीं। ठीक कहा तूने, वो बड़ों का काम है, हम जैसे छोटे छोटे बच्चों का नहीं। ऐसा मत कहो, ये कहना उचित नहीं, क्योंकि अब तुम लोग विद्यार्थी हो, भविष्य में इस देश के नागरिक बनोगे। तुम ही लोगों पर इस देश का भविष्य निर्भर करेगा। तुम लोग अवश्य जानते हो कि हवा प्रदूषण दूर करने के लिए पेड़ पौधे की कितनी आवश्यकता है। पेड़ पौधे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितनी सहायक है, इससे हमारा परिवेश भी शुद्ध होता है। अरे चलो चलो, हमें यहाँ पेड़ पौधे के बारे में सीखते रहने से वहाँ काम नहीं बनेगा, चलो चलते हैं। ठीक कहा तूने। अरे तुम लोग भी हमारे साथ जाना चाहते हो तो चलो। कितने शिकार अच्छे से लगे पता नहीं। चल चलते। चलो क्यों इतना अधर्ज हो गए तुम लोग? वे लोग तो हमें कोई बुरी बात नहीं कह रहे ना, आगे क्या कहते हैं सुन लो ना पहले। हाँ दोनों तुम लोगों के साथ आकर बहुत बड़ी गलती की है, नहीं आते तो बहुत अच्छा होता। मैंने तुझे कहा था ना चल दूसरी ओर चलते हैं, तूने सुना था मेरा। ये तू चुपचाप रह, तुझे भी इन लोगों के साथ आने का बहुत शौक था ना, अब आए तो सुनते रहो ये सब बातें। खेलो ना प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों इतने अधैर्य हो गए हो? पहले तुम दोनों को कुछ कहती हूँ, सुनो उस बात की ठीक तरह से उत्तर देना। ठीक है पूछिए। जल्दी पूछिए नहीं तो हम चले जाएंगे। ठीक कहा तुम दोनों ने, मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा, मुझे भी लेकर जाना। हाँ हाँ चिंता ना कर, ले जाएंगे। हाँ ले जाएंगे। तुम लोग मानव जाति जो चिड़ियों को मारते पीटते हो, क्या तुम्हें पता है वो चिड़ियों हमें कितने सहायता करती है? ये सब बातें जानते तो हम चिड़िया कैसे मारते हैं? हाँ तो तुम लोगों ने ऐसे ही पढ़ाई लिखाई किया है, केवल स्कूल जाने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ना, पढ़ लिख कर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी तो वह संपूर्ण शिक्षा कहलाती है, नहीं तो वह अधूरी है। वो बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। जानने से तो तुम लोग ऐसे कभी नहीं करते। ये दीपक देखना क्या कहते हैं ये लोग, हम बुरे काम करते हैं, बात कहते हैं। मनुष्य पक्षियों को मारते रहते हैं, ये पक्षियाँ मनुष्य को कितने मदद करती है ये तुम लोग जानते हो या नहीं? पक्षियाँ मनुष्य को मदद करती है। तुम लोग हमारी बातें सुनकर क्यों इस तरह हंस रहे हो? ये पक्षियाँ मनुष्य को कितनी मदद करती है ये जानने से तुम लोग
सकीन हो जाओगे। तो बताइए ना, पक्षियाँ मनुष्य को क्या मदद करती है? तुम लोग पक्षियों से ही मांस अंडे आदि पाते हो। केवल यही नहीं, पक्षियाँ सुंदर जब बनंदी करती है उसकी बोली सुनकर तुम लोग आनंद ही उठाते हो। इससे भी बड़ा काम क्या करते हैं जानते हो? मरे हुए प्राणियों को खाकर दुर्गंध के साथ साथ वायु प्रदूषण रोक करने में मदद करती है, जिससे कि बीमारियां फैलने में रोक लग जाती है। हाँ, बात सही है। हमें विज्ञान पढ़ाते वक्त सर ने हमें ये बात बताया था ना? हाँ बताया था, तो क्या हुआ? हाँ भाई, सच में आज से मैं ये बात हमेशा विश्वास करूंगा और कभी भी चिड़िया नहीं मारूंगा। सच में हम लोग बहुत गलत काम करते हैं। हाँ बात सही है, लेकिन मैं तुम्हारा तरह इससे फेंकूंगा नहीं। कितने मेहनत से बनाया इसे। आज से ये भी मेरा हो गया, देखा? दो दो। देखा भी, शिकार खेलने में बहुत मजा आता है ना तुम दोनों को? देखो कितना नुकसान पहुंचता है हमारे परिवेश को, अगर पक्षियां ना होते तो। होगा होगा, ज्यादा जानकारी मत दीगा। अच्छा अभी सुनो, तुम लोग हमें काट कर अपने स्वर अवश्य पूर्ति करोगे, है ना? हाँ है। मनुष्य पेड़ पौधे काट कर जगह निकलते हैं, उसी जगह में विभिन्न प्रकार के घर बाग खेत खलिहान कल करखाना बनाते हैं, उससे मनुष्य लाभान्वित भी होते हैं। लेकिन तुम लोगों ने एक बार भी सोचा है कि तुम लोगों ने जिन पेड़ पौधों का नाश किया है वे पेड़ पौधे हमारी कितनी सहायता करती है? वैसा सोच विचार करने लगे तो मनुष्य निर्धन ही हो जाएंगे। घर बार रस्ते मकान आदि बनेंगे कैसे? इसीलिए तो हमें पेड़ पौधे को काटना पड़ता है। इस बात को तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि भगवान द्वारा सृष्टि में एक दूसरे को मार कर जी जाते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम? नियम कहने से तो नहीं होगा ना। जीने के लिए जिन वस्तु या परिवेश का आवश्यकता होता है उन्हें संरक्षण करना भी तो तुम्हारा कर्तव्य है। आप लोगों ने ठीक कहा, सचमुच हम मनुष्य इन बातों से बहुत दूर है। इस क्षेत्र में तो हम अवश्य दोषी है। दोषी? केवल दोषी कहने से सब कुछ समाप्त नहीं होगा। दोषी को मिटाकर एक स्वस्थ परिवेश बनाना ही तुम लोगों का काम है। तो बताइए ना, पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? पेड़ पौधे से हमें फल फूल जलाने के लिए लकड़ी आदि तो मिलता है, उससे अधिक पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है? ये तो समझने बात, इसे और बड़ा उपकार पेड़ करती है। यही तो बताइए ना, पेड़ पौधे से हमें और क्या क्या मिलता है? तुम लोग जो सांस प्रश्वास लेते हो वह ऑक्सीजन हम ही देते हैं। हम भी तो आप लोगों को खाद्य प्रस्तुत के लिए जरूरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तुम लोग कह रहे हो, अगर वो ज्यादा हो जाए तो तुम लोग बचोगे कैसे? इसीलिए वो गैस हमें देकर तुम लोगों ने कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। वो बात तो सही है। और बताइए तो आप लोगों से हमारा क्या उपकार होता है? उनके अलावा पेड़ पौधे ज्यादा बारिश होने के लिए मदद करती है, जिससे कि मनुष्य को पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ता है। देखो राजस्थान नामक प्रदेश में पेड़ पौधे कम होने के कारण वहाँ रेगिस्तान है, वहाँ के लोग ज्यादा गर्मी सहते हैं, एक बूंद पीने के पानी के लिए तड़पते हैं। जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ ऐसी कष्ट नहीं होता है। इसके अलावा पेड़ पौधे ने वायु को प्रदूषण मुक्त और एक स्वस्थ परिवेश बनाते हैं, बीमारियाँ दूर भगाते हैं, ठंडी हवा और साया मनुष्य को मिलता है। और पेड़ पौधे ने प्रकृति के सुंदर्य भी बढ़ाते हैं। देखो तो हमसे कितना उपकार होती है मनुष्य की। इसके अलावा हमें क्या क्या मिलते हैं? पेड़ पौधे से विभिन्न चीजों के अतिरिक्त दवाई भी मिलती है, जिससे कि मनुष्य में फैली कोई प्रकार की बीमारी का इलाज भी संभव है। पेड़ पौधे से तुम लोग आरोग्य भी बन सकते हो। वो बात तो गलत नहीं है। हम पेड़ पौधे की जड़ पत्ते और मूल से रस निकाल कर खाते और लगाते हैं, जिससे हम मनुष्य निरोगी होकर जिंदा रह पाते हैं। इससे भी बढ़कर हम क्या करते हैं जानते हो? मरे हुए प्राणियों को खाकर दुर्गंध के साथ साथ वायु प्रदूषण रोक करने में मदद करती है। अभी समझाना प्यारे बच्चों, रोक लग जाती है। अभी समझाना प्यारे बच्चों, हमसे तुम लोगों की कितने उपकार होते हैं। इससे बढ़कर हम जमीन की संरक्षण भी करते हैं और उसे तुम लोगों के उपयोगी भी बनाते हैं। तुम लोग सोचो तो, हमसे इतना उपकार पाने के बाद भी तुम लोग इतने निर्दयी हो। जो तुम लोग उपकार करते हैं उसी को क्यों उपकार करना चाहते हो? ये बहुत गलत है ना? याद रखना सदा, पेड़ पौधे रहने से ही तुम प्राणी सब बच सकते हो।
नहीं तो ये धरती शमशान सा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस क्षेत्र में तुम लोग आसानी से सहयोग कर सकते हो। कैसे हम आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, इस बारे में जरा बताइए। तो सुनो, यदि तुम लोग प्रत्येक छात्र छात्रियों ने एक करके पौधा लगाते तो प्रदूषण की जो समस्या है उसे आसानी से मुक्त कर सकोगे। क्या बात करते आप लोग, हम छात्र एक एक करके पेड़ पौधे लगाने से कितने पेड़ पौधे होंगे? बहुत सारा होगा। एक बार सोचो तो, तुम प्रत्येक विद्यालय में कितने छात्र छात्रे हैं? अगर वो भी पेड़ पौधे लगाएंगे तो कम होगा क्या? बात सही है, अगर हम सभी ने पेड़ पौधे लगा दे तो पेड़ पौधे का अभाव ही नहीं होगा। तब तुम लोग एक प्रदूषण मुक्त पृथ्वी खोज पाओगे। अरे चलो, ये सब बातें हमारा कुछ काम का नहीं, क्यों दीपक? ठीक कहा तूने, ये सब बातें हमारे इस कान से होकर उस कान से निकल गया है। क्यों ऐसा कह रहे हो तुम लोग? हमें तुम्हारी क्या मुश्किल है वो बताओ। मुश्किल बहुत है, वो सब आप लोग को बताने से हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। आज हमारा दिन ही खराब है। ठीक कहा तुमने। फिर भी तुम्हारा मुश्किल क्या है बताओ, जरा जान लो। हो सके तो हम उसे समाधान करने की कोशिश करेंगे। मुश्किल और कुछ नहीं है, क्या बात है कि हम दोनों ने कभी भी पेड़ पौधे नहीं लगाए है ना, इसलिए तो हमने हमसे नहीं होगा कहा, क्योंकि ये हमारे लिए असंभव है। तुम लोग वर्तमान के छात्र हो, तुम्हारे जबान पर ऐसे बातें शोभा नहीं देता। अगर तुम दोनों भी चाहो तो असंभव कार्य संभव कर सकोगे। मैं अभी घर जाते ही घर के चारों ओर कुछ पौधे लगाऊंगा, तब कौन चिंता नहीं होगा। ठीक कहा तुमने, भाई मैं तो एक ही पौधा लगाऊंगा। हां भाई, मैं भी एक ही लगाऊंगा। तुम सब अपने दूसरे साथियों से भी कहना कि वे भी ऐसे ही पेड़ पौधे काटकर परिवेश की हानि ना करें। सचमुच हम मानव जाति आप लोगों के प्रति बहुत अन्याय किए हैं, हम क्या करने से इस अन्याय का ये सब बच पाएंगे और आप लोगों का भी नुकसान नहीं होगा, इस बारे में जरा बताइए। तो सुनो, यदि तुम लोग प्रत्येक मनुष्य ने जरूरत पड़ने पर पेड़ काटे हो तो इसे काटने में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसकी जगह पूर्ति के लिए एक नया पौधा लगाना आवश्यक है, जिससे कि होने वाले परिस्थितियों से हम भी आराम से रह पाएंगे और तुम लोगों का भी आवश्यकता पूर्ति होगा, समझे? सचमुच आज मानव जाति शिक्षित होकर भी अज्ञानी रहे, हम जो भूल करते हैं वो तो बहुत गलत है। सचमुच हम बड़े निष्ठुर और अज्ञानी है, नहीं तो इतना भूल करते, वैसा नहीं करना चाहिए। आओ साथियों, हम सब मिलकर आज प्रण ले कि हाँ से कभी भी बिना काम से पेड़ पौधे नहीं काटेंगे और अपने परिवेश को नष्ट होने नहीं देंगे। आज से हम एक पेड़ काटने से उसी स्थान पर 10-10 पेड़ लगाएंगे। ए रतन, हम भी आज से चिड़िया नहीं मारेंगे और पेड़ पौधे लगाकर परिवेश प्रदूषण दूर करेंगे। ठीक कहा तूने, मैं भी आज से चिड़िया नहीं मारूंगा और दूसरों को भी मारने नहीं दूंगा। तो आओ आज हम सब एक होकर समस्त स्वर से सबासी से कहें कि तुम भी जियो और हमें भी जीने।